everyone, welcome back to our channel Manahil Nazia Reaction. तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, इसका टाइटल है सो आज हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं कांट एक्स मुस्लिम्स क्रिटिसाइज इस्लाम याना मीर नाजिया इलाही और इनके चैनल का नेम है एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल बैकअप। सो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी है तो हम लोगों ने सोचा इसको पार्ट्स में वॉच करने का। एक पार्ट हम ऑलरेडी वॉच कर चुके हैं, ये है पार्ट नंबर 2 और यकीनन इसके एक दो और पार्ट्स भी बनेंगे। बिल्कुल। सो वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। अब आती है बात साहिल के एक्स मुस्लिम होना और अपनी आइडेंटिफिकेशन को चिल्ला कर ये कहना कि यस आई एम एक्स मुस्लिम, दिस इज नॉट क्राइम। मैं जेंडर से बाय जेंडर मैं फीमेल हूं, मैं एक औरत हूं और मैं कहीं पर भी चिल्ला करके कह रही हूं कि मैं एक औरत हूं, दिस इज नॉट क्राइम। हमने हालिया में एक महीना पहले सुप्रीम कोर्ट में देखा था सेम सेक्स जेंडर वाले अपनी पिटिशन को लेकर के काफी परेशान थे सर्वोच्च न्यायपालिका में, दिल्ली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। हालांकि जजमेंट उनके हित में नहीं आया है लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ रहे हैं और सेम सेक्स मैरिज को लेकर के वो अभी भी अपनी याचिका दायर कर रहे हैं उसको और बेटर करके। तो क्या LGBTQ वाले अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को छुपाने के लिए कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं या उनको डिफेम करने वाले के ऊपर या उनको मलाइन करने वाले के ऊपर क्या भारत के संविधान ने कोई केस मुकर्रर नहीं किया है? बिल्कुल किया है। भारत का संविधान एक प्रोस्टिट्यूट को भी प्रोस्टिट्यूट कहने मना करता है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत आप एक प्रोस्टिट्यूट को सोशल वर्कर कहिएगा, आप उसको प्रोस्टिट्यूट नहीं कह सकते हैं। अब बात आती है कि जितने भी एक्स मुस्लिम हैं मैंने उनमें एक चीज तो देखी है कि पहले वो अपनी लाइफ में बड़े इस्लामिक प्रीचर रह चुके हैं, इस्लामिक दावत देना, इस्लामिक बातें करना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, इस्लाम की दावत करना और रोजा नमाज करना, नफिल नमाजों को भी ना छोड़ना, नफिल रोजों को भी ना छोड़ना। तो काफी डीप डाउन गए हैं, काफी डिग आउट किया है, काफी ट्रुथ को समझा है, बूझा है और एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवेयरनेस का काम कर रहे हैं कि हमने ये सीखा, हमने ये समझा तो हम आपको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लीगल प्रोसेस से ये कोई क्राइम तो नहीं लग रहा है, किसी भी तरीके से नहीं लग रहा है। अब बात आती है कि जिन मोहतरमा ने आरजूदी के साथ बैठ करके ये बात कही है क्या उनको राइट टू डिग्निटी पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बारे में पता था कि नहीं पता था? ये मुझे नहीं पता है, शायद नहीं पता होगा तभी उन्होंने एक्स मुस्लिम को टारगेट किया है। और याद रहना चाहिए उनको कि मोर देन 1 करोड़ पॉपुलैरिटी इस भारत में अब एक्स मुस्लिम की हो चुकी है, तो माइनॉरिटीज का एक बड़ा हिस्सा अब एक्स मुस्लिम भी हो चुके हैं। तो जो एडवांटेजेस सरकार की तरफ से, जो फैसिलिटीज और जो फ्लेक्सिबिलिटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की माइनॉरिटीज के सारे लोगों को मिलती आ रही है, वो जनहित याचिका दायर करने के बाद एक्स मुस्लिम्स भी हासिल कर सकते हैं और एक्स मुस्लिम भी माइनॉरिटीज का एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट बन सकते हैं। और आज भी उनके लिविंग को, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को, उनके डिग्निटी को, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को, उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कोई भी हैम्पर नहीं कर सकता है। अब एक सवाल साहिल आपसे, मैं मानता हूं कि आप कोई धर्म नहीं मानते हैं पर क्या आप भारतीय नागरिक हैं, आप वोट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल भारतीय नागरिक है। क्या आप संविधान मानते हैं? यस, संविधान हमारे लिए सबसे ऊपर है। बहुत खूब, तब तो फिर वो महिला को जवाब मिल गया। अगर संविधान आप मानते हैं तो अगर मौलाना मदनी और मौलाना साजिद रशीदी और उस मोहतरमा के पास अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है
तो आर्टिकल 21 के द्वारा आपके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब बात आती है कि वो ये कह सकती हैं या बहुत लोगों ने आपको इस चीज के लिए टारगेट किया है कि आपने यूट्यूब के माध्यम से लोगों को बहकाने का काम स्टार्ट किया है जी। तो उसके उसका तोड़ आता है, मैं क्योंकि आप संविधान मानते हैं, आप कोई धर्म नहीं मानते हैं, तो आज मैं सारी बात संविधान से ही करूंगी। आर्टिकल 19 क्लॉज जी, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस एज वेल यूट्यूबर इज ऑल्सो अ बिजनेस, सो यू कैन डू, सो यू कैन डू। नाजिया जी, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट्स है, वो सारी चीजें बताई, लेकिन अगर ये मोहतरमा वाकई में पढ़ी लिखी है, इंटेलेक्चुअल है, तो ये ऐसे क्लेम या इस तरीके के इल्जाम कैसे लगा सकती है कि मैं उन्होंने मेरे चैनल का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा जरूर, शी वॉज रेफरिंग टू माई चैनल ओनली, क्योंकि सबसे बड़ा चैनल एक्स मुस्लिम मेरा ही है और मेरा ही चैनल बैन हुआ है, तो उन्होंने ये इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि भाई ये जो शख्स है एक्स मुस्लिम बना बैठा है, ये मुसलमानों के लिए हेट फैला रहा है, हिंदू कम्युनिटी खास करके उनके अंदर मुसलमानों के लिए नफरत आ रही है, और मोदी गवर्नमेंट ने मेरे चैनल को बैन करवाया। अगर वाकई में मोहतरमा इंटेलेक्चुअल है तो ये इस तरीके की बातें कैसे कर सकती है, मुझे बड़ा अजीब लगा। और मुझे अजीब साहिल आपकी बात पे लग रहा है कि आप, इसका मतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की नजरों तक पहुंच चुके हैं। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू जी। क्योंकि हम तो मेहनत करते हैं ना, हम तो दिन रात स्ट्रगल करते हैं, ढेर सारी पब्लिक गैदरिंग की स्पीचेस देते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की नजरों में आए, वो समझें कि हाँ नाजिया जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और शायद पार्लियामेंट जाने का मौका मिल जाए। क्योंकि मैं तो बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं तो सब बातें खोलकर बोलती हूँ, मुझे वो ढकी छुपी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। पर आप तो ना किसी पार्टी में है, ना किसी पॉलिटिक्स में है, और ना ही किसी रिलीजन को बेस करते हैं और ना ही किसी रिलीजन को मानते हैं। अगर आप मानते हैं तो भारत के संविधान को सिर्फ मानते हैं, और भारत के संविधान को मानने के द्वारा आप अपने भारतीय होने का अधिकार वोट करते हैं और उसको पूरा करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं कि मोदी जी की नजरों तक आप पहुंच चुके हैं। अब बात आती है कि वो मोहतरमा इंटेलिजेंट है कि नहीं है। अगर वो मोहतरमा वाकई इंटेलिजेंट होती तो जो सवाल उनसे किया जा रहा था आरजू जी के चैनल पर, जवाब वही आता, उड़ करके कहीं से अद्भुत जवाब नहीं आ जाता। और अगर जवाब आना ही था, और अगर आप टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 14 नवंबर चिल्ड्रन डे वाले दिन, जो मामू नेहरू का जन्मदिन चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, 14 नवंबर 2023 को 2:42 पे अशफाक आलम को सेंटेंस टू डेथ पेनल्टी मिली है, एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार करने के लिए, तो क्या इसको किसने बहकाया होगा? बहुत बहुत जेन्युइन सवाल, इसको किसने बहकाया होगा? अच्छा, हम लोग का होता क्या है ना कि कभी कभी हम लोग वुमेन्स डे पर या डॉक्टर्स डे पर या ऐसी चीजों पर हम लोग जेल विजिट करते हैं, तो हम देखते हैं कि बलात्कारी भी वहां पर नमाज पढ़ रहे होते हैं अंदर में। हाँ। जेल के अंदर, तो वो तो प्रॉपर मुस्लिम है, नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर उन्होंने बलात्कार कैसे किया? तो चले हम इसको इस अंदाज से समझाते हैं कि एक्चुअली में मुसलमानों के लिए ना शैतान और अल्लाह दोनों बहुत मेहरबान है। पहला कि जैसे ही शैतान हावी होता है तब ये बलात्कार कर देते हैं, और मजे का ही काम है ना, जब भी आप देखो मदरसे वगैरह में जब अनल सेक्स करके कोई मौलवी पकड़ाता है, मार खाता है, लुंगी खोल करके मारा जाता है उसको, या कोई इस्लामिक प्रीचर जब लड़की छेड़ता है, या मदरसे में मोलेस्टेशन करता है, या लुंगी उठा करके अपने औजार दिखाता है छोटी छोटी बच्चियों को,
तो ऐसे बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट में, राज्य में चल रहे हैं। इवन मेरे चैम्बर में भी ऐसी कई फाइल है जो मौलवी मुल्लाओं पर चल रही है। तो इनका इनकी एक अभद्र स्टेटमेंट होते हैं कोर्ट के अंदर, और ये कहते हैं कि नहीं शैतान हावी हो गया था। तो मतलब कितना मजेदार शैतान है कि हावी होता है तो ये खुद से खुद को पीटता नहीं है, ये अनल सेक्स करता है या किसी बच्ची का बलात्कार कर देता है। और जब इनके ऊपर इस्लाम हावी होता है तो ये चार शादियां करते हैं या बदन में बम लगा करके खुद को फाड़ देते हैं और साथ साथ मासूमों की भी जान ले लेते हैं 72 वर्जिन हूरों के लिए। तो क्या इनको भी साहिल जैसे किसी यूट्यूबर ने बहकाया है या इस्लामिक प्रीचर हाफिज सईद और तारिक मसूद और अजमल कसब जैसे लोगों ने बहकाया होता है? साहिल यूट्यूबर लोगों को ये बता रहा है कि 72 वर्जिन हूर नहीं है, ये झूठ है, इसलिए अपने बदन पे बम लगा करके ना अपनी जान लो और ना ही दूसरों की जान लो। तो दिस इज अ सोशल वर्क ना। हाँ नहीं, उनके नजर में ये हेट फैलाना है, मतलब अच्छी बातें करना ये हेट फैलाना है, हेट है। अगर साहिल यूट्यूबर अपने चैनल के माध्यम से ये बता रहा है कि लौंडियों और बांदियों को बेच करके, अगर कभी किसी मजहब की किताब में ये लिखा गया है कि लौंडियों और बांदियां बेचो और असलाह और घोड़े खरीदो, तो औरत का जो वैल्यू बताया गया है वो गलत है। औरत एक बहुत ही वैल्यूबल और बहुत ही इज्जत वाली एक अशरफुल मखलूकात में उसको जोड़ा जाना चाहिए। जैसे सनातन धर्म में देवियों की पूजा होती है, उसी तरीके से हम भी बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर साहिल ये बात कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि साहिल हेट फैला रहा है। मुझे तो लग रहा है कि साहिल बहुत बड़ा सोशल वर्कर है। मुझे तो लगता है कि साहिल इज अ सोशल वर्कर। इवन साहिल तुमको अपने अपने आप को यूट्यूबर नहीं कहना चाहिए, तुमको अपने आप को एक मोटिवेशनल स्पीकर कहना चाहिए और तुमको अपने आप को एक सोशल वर्कर कहना चाहिए कि मुस्लिम इस्लाम और मुस्लिम समुदाय में और मुस्लिम समाज में जितने भी यंगस्टर्स को मौलवी मुल्ला बहकाते हैं, 72 वर्जिन हूरों का लालच देते हैं, बीवियां होते हुए भी चार शादियों का मशवरा देते हैं, अगर साहिल उनको ये समझा रहा है कि ये गलत है तो यू आर अ बेस्ट सोशल वर्कर, यू आर बेस्ट सोशल वर्कर। मेरे मेरे हिसाब से तो मेरे फंड के तरफ से मैं तुमको अवार्ड वगैरह देना चाहूंगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। और आपकी ये बात बिल्कुल सही है, मैं अपने आप को कभी यूट्यूबर नहीं कहता। ये तो मोहतरमा ने वो शायद टैग लगा दिया यूट्यूबर का। मैं वाकई में एक एक्टिविस्ट समझता हूँ अपने आप को, और मेरा ये मानना है, और मैं कई जगह पे बोल चुका हूँ कि तो मैं एक एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म कर रहा हूँ, तो इट्स पार्ट ऑफ माई एक्टिविज्म, इस तरीके की बात करता हूँ मैं। यूट्यूबर मैंने अपने आप को कभी नहीं कहा है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है नाजिया जी। और कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है मोहतरमा लाइव सुन रही है, तो मैं मोहतरमा को दावत देना चाहता हूं। मैंने ट्विटर पे भी उनको दावत दिया था कि इन केस आपको लगता है कि आपकी बात सही है और हम गलत प्रचार कर रहे हैं या गलत तरीके से बयानी कर रहे हैं, तो मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ। अगर आप अभी जुड़ना चाहती है तो मैं अभी आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आप कमेंट में हाई लिख के बोल दे के मुझे लिंक शेयर करो, हम आपको आने का मौका देंगे, अपनी बात रखने का मौका देंगे। क्योंकि नाजिया जी आपको पता है साहिल के चैनल पर एक तरफा बात नहीं होती है। साहिल हमेशा हमेशा मोमिनों को मौका देता है कि भाई आओ, अगर हम गलत है तो आप अपनी बात को सही साबित करो। तो मोहतरमा को भी लगता है तो वो आ जाए। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और बड़ा मजा आ रहा है भाई वीडियो देखने का। बड़ी वो कहते हैं ना कि थ्रिलिंग टाइप की वीडियो है। सो खैर अभी तक वही बात चल रही है याना मीर जी की। मुझे लगता है कि काफी कोई उनकी डिस्कशन इस टाइप की है, उनकी भी डिस्कशन कोई थ्रिलिंग टाइप की थी जो कि उनके ऊपर जो है ऐसा वो आ रखा है। वो भी वीडियो देखेंगे हम लोग जरूर। और अच्छा यहाँ पर इन्होंने ये बात की सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन मानते हो, तो चलो मैं उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें बताती हूँ। सो इन्होंने नाजिया लाई की मैं बात करूंगी कि इन्होंने एक चीज बोली थी कि हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि किसी को प्रोस्टिट्यूट भी नहीं हम बोलते हैं, हम उसको सोशल वर्कर कहकर बुलाते हैं या सोशल वर्क ऐसा कुछ इन्होंने यूज किया था।
तो ये लोग तो बहुत बार प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं, और किसको बोलते हैं जो कि मुसलमानों के नबी हैं, उनको, उनके बारे में ये चीज यूज करते हैं। तो फिर आपका लॉ या आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ जाता है? ये तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता। अगर साहिल ये कॉन्स्टिट्यूशन मानता है तो फिर वो ये चीज क्यों बार बार बोलता है? जैसे कि अभी नाजिया लाई ने खुद ये बात बोल दी कि हम किसी को प्रोस्टिट्यूट भी नहीं कहते, तो साहिल और एडम ने तो बहुत बार ये चीज बोली है, साहिल ने भी बोली है। चलो एडम अगर आपकी कंट्री में नहीं आता, साहिल तो इंडियन है ना, उसने ये बात बहुत बार बोली है। और दूसरी बात ये कि ये जैसे इन्होंने बोला याना मीर जी ने कि ये हेट फैला रहे हैं, तो फैला रहे हैं। अगर साहिल जो है ठीक है, साहिल अपने तरफ से सोशल वर्क कर रहा है, तो याना मीर भी अपनी तरफ से, उनको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो भी किसी के बारे में कुछ भी बोल सकती है। अगर ये किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं तो फिर उनके लिए दुविधा क्यों है कि वो नहीं बोल सकती? ये बात फिर कहां से आ जाती है? अगर तो साहिल को इतनी फ्रीडम है कि वो इंडिया में रहते हुए, कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए वो ये सब काम कर सकता है, वो ये सब हेट, वो तो हमारे अकॉर्डिंग है ना कि हेट फैला रहे हैं, हम जो मर्जी बोले भाई, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, हम जो मर्जी बोले, वो अपने अकॉर्डिंग अगर सही काम कर रहा है तो फिर ये एलिगेशन याना मीर पे कैसे आती है? वो भी तो इंडियन है, वो भी तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है, वो भी तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए ये चीज बोल रही है, उसको भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो भी तो हर आजादी के साथ हर चीज का है, वो भी तो डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रही है, तो वो क्यों नहीं ये चीज बोल सकती? अगर उसने ठीक है, उसने, या ये होता है जितने भी यूट्यूबर्स या ये जितने भी सोशल वर्कर होते हैं ना, वो एक दूसरे के खिलाफ, जैसे सियासत है, वो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, पॉलिटिक्स जो है, उसको वो चीज अच्छी नहीं लगी, उसके रिलीजन के ऊपर बात आई तो उसने बोल दी, इसमें इतना मिर्ची लगने वाली या इतना वो वाली कोई बात ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो यहां पर मैं सिर्फ इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकालूंगी कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग, अगर सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहते हुए साहिल अगर ये काम कर रहा है, तो याना मीर ने अगर कुछ बोल दिया तो मेरे ख्याल से गलत नहीं है। नहीं, इनके, इनकी अगर बात की जाए ना, तो इनकी दफा आ जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर कोई और बात करे तो फिर अब वो जो आपके ऊपर आ जाता है कि सवाल के जी वो ऐसा क्यों कह रही है, उनको तो ऐसा कहना नहीं चाहिए था, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन भी ले आ जाते हो, इस टॉपिक पे बात क्यों नहीं की, उस टॉपिक पे बात जो है वो क्यों नहीं की। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करूंगी फ्रीडम ऑफ स्पीच की ना, जैसे नाजिया अली खान ने स्टार्ट में कहा कि जी इंडिया में भी जो है वो 1 करोड़ के करीब जो है वो एक्स मुस्लिम हो गए हैं, और उनको भी अब जो है वो गवर्नमेंट जो है वही राइट्स वगैरह जो है वो देना शुरू कर दिए, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जो साहिल है, फिर इसका चैनल वाकई फिर बैन क्यों हुआ? अगर इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका चैनल बैन नहीं होना चाहिए था। और कुछ दिन पहले मैं इसकी स्ट्रीम देख रही थी जिसमें इसे कहा था जो मेरा पर्सनल नंबर है वो भी जो है वो साइबर क्राइम वालों ने जो है वो बैन कर दिया। अगर ये सब कुछ इंडिया में है तो फिर ये चीजें क्यों बैन हो रही है? या हम इनकी स्ट्रीम में बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं जो कहते हैं कि हम एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, और ये खुद उनको मशवरा दे रहे होते हैं कि अभी आप खुल के सामने मत आओ। अगर ये सब चीजें, अगर आपको लग रहा है कि इंडिया में आपको बहुत आजादी है एक्स मुस्लिम को, तो फिर आप ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की फिर आप बात ही नहीं करो ना। इंडिया में आजादी है तो फिर वो क्यों छुपे हुए, ये इसलिए क्यों छुपाते हैं वो इनका चैनल? अगर बैन होने की बात है ना, इंडिया में आजादी है, चैनल इसलिए बैन हुआ है कि ये वाकई हेट फैला रहे हैं, ये फिर इस चीज का सबूत है कि ये हेट फैला रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, तो इनका चैनल बैन। बिल्कुल ऐसी ही बात है। और फिर अगर ऐसी ही बात है तो फिर एडम को भी सामने खुलकर सामने आना चाहिए ना, वो क्यों अपना मुंह छुपा के जो है वो रखता है? उसको भी फिर लोगों के सामने जो है वो खुलकर आना चाहिए कि नहीं, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और जैसे ये नाजिया इलाही जो है वो इतना साहिल को अप्रिशिएट कर रही थी, इन्होंने लास्ट में खुद ही कह दिया कि अगर मेरे में होता तो मैं आपको अवार्ड देती। उससे पहले मेरे माइंड में चल रहा था कि नाजिया इलाही जी के बस में नहीं है कि वो इसको अभी अवार्ड जो है वो थमा रहे, ये लो साहिल तुम तो बहुत ही कोई नेक काम कर रहे हो। अगर वाकई ये बात है कि इसका चैनल बैन हुआ है, साइबर क्राइम वालों ने इसका जो है वो नंबर ब्लॉक किया, तो कुछ ना कुछ हेट तो ये फैला रहे ना। हर चीज ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है, जरूरी नहीं है कि ये बहुत ही कोई अच्छा काम कर रहा है। अब जितने लोगों को साहिल की बातें अच्छी लग रही, जैसे नाजिया इलाही हमें दिख रहा है कि बहुत बड़ी फैन है इसकी, क्योंकि इनकी और उनकी सोच जो है वो आपस में मिलती है। जरूरी नहीं है कि हर बंदे की सोच जो है वो मिलती हो, कुछ आपके अगेंस्ट भी होते हैं, तो फिर आप में इतनी हिम्मत और बर्दाश्त होनी चाहिए कि उनकी बातों को भी जो है वो आप टॉलरेट करो। बिल्कुल। सो क्या ये था हमारा रिएक्शन, होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।